लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत और चीन दोनों ही देश अब इस इलाके में सर्दियों में भी तैनाती के लिए तैयारी कर रहे हैं। चीन भारत के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी पेंगोंग झील और देपसांग इलाके से हटने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ड्रैगन की इस दादागिरी के खिलाफ अब अमेरिका भारत के साथ आता दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट्स में दावा किया है कि ड्रैगन को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिका भारत चीन सीमा पर अपने सबसे घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्प्रिट को उड़ा सकता है। अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में ये अमेरिकी परमाणु बॉम्बर भारत के साथ जल्दी फ्लाई ओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और एक दूसरे की सुविधाओं के इस्तेमाल का बड़े पैमाने पर अभ्यास कर सकता है। इसके अलावा अमेरिकी पत्रिका ने दावा किया है कि इसमें खास बात यह है कि इस अभ्यास को भारत चीन सीमा पर अंजाम दिया जा सकता है। इस दौरान अमेरिकी बॉम्बर को चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को परखने का मौका मिल सकता है। गौरतलब है कि 3 B-2 बम वर्षक विमान इस समय अमेरिकी नेवल बेस डियागो गार्सिया में तैनात हैं, जो भारत से मात्र 1000 मील की दूरी पर स्थित है। बता दें कि अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध के दौरान इसी डियागो गार्सिया नेवल बेस से अपने बम वर्षक विमानों को हमले करने के लिए भेजता था। पत्रिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि B-2 की सीधी टक्कर चीन के एयर डिफेंस सिस्टम से होगी। माना जा रहा है कि चीन ने तनाव को देखते हुए भारत चीन सीमा पर रूस निर्मित S-400 और S-300 को तैनात कर रखा है, और चीन का दावा है कि ये डिफेंस सिस्टम स्टील्थ लड़ाकू विमानों को भी पकड़ने में सक्षम है। उधर अमेरिका ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए 30 साल पुराने इन बम वर्षक विमानों में लगातार नए सेंसर, कंप्यूटर, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाता रहा है। तो वहीं B-2 के कंप्यूटरों को भी बदलकर अब 1000 गुना ज़्यादा तेजी से काम करने वाले लगाए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये परमाणु बॉम्बर रडार की पकड़ में नहीं आता है और चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। गौरतलब है कि B-2 स्प्रिट दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर माने जाते हैं। ये बम वर्षक विमान 1-7-16 B-61-7 परमाणु बम्ब ले जा सकता है। हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक और स्टीक मार करने वाले B-61-12 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। यही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के ट्रेडिशनल बम भी तैनात किए जा सकते हैं। बता दें अमेरिका के पास कुल 20 B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर हैं। ये बॉम्बर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम हैं। तो वहीं एक बार में रिफ्यूल कर देने पर ये 9,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इस विमान ने कोसोवा, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी क्षमता साबित की है।